क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड से रुपए निकल जाने की बात आपने कई बार सुनी होगी। आप में से ऐसे कई लोग भी होंगे जिनके साथ ऐसा हो भी चुका है। चार दिन पहले भी नोएडा में रहने वाले एक पत्रकार के क्रेडिट कार्ड से 69,000 रुपए निकाल लिए गए, जबकि कार्ड और मोबाइल में आया ओटीपी उनके पास ही था। ऐसे एक नहीं हजारों केस हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब कार्ड और मोबाइल आपके पास है तो पैसे कैसे निकल सकते हैं? बिना कार्ड और ओटीपी नंबर के खाते से पैसे निकलने के बारे में साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट दानिश शर्मा ने खुलासा किया कि आजकल बाजार में एक खास सॉफ्टवेयर आया हुआ है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बिक रहा है, लेकिन ऑनलाइन की डिमांड ज़्यादा है। इसकी वजह है ऑनलाइन अच्छे से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि हैकर आजकल इस सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हैं। आपके अकाउंट से पैसे निकालने के दौरान हैकर इस सॉफ्टवेयर में पहले से चुराई गई आपके कार्ड की कुछ जानकारी देते रहते हैं। आपके कार्ड का CVV नंबर भी उनके पास होता है। सॉफ्टवेयर इस दौरान किए जा रहे ट्रांजैक्शन के एक OTP के 10 OTP नंबर बनाकर तुरंत ही देता रहता है। साइबर एक्सपर्ट दानिश शर्मा इस बारे में बताते हैं कि एक OTP नंबर का अपना एक एल्गोरिदम होता है। ये एक कोडिंग की तरह से होती है। सामान्य भाषा में कहें तो एक OTP 10 तरह से काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल में आए OTP नंबर को ही डालने पर पैसे निकलेंगे। इस नंबर को उलट पलट करने पर भी ये काम करेगा, लेकिन इस नंबर को उसी सीरीज में कैसे बदलना है ये काम वो सॉफ्टवेयर करता है जो ऑनलाइन ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। साइबर एक्सपर्ट दानिश शर्मा का कहना है कि अपने क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड पर किसी भी हाल में CVV नंबर को ना छोड़ें। नंबर याद करने के बाद या घर ऑफिस में कहीं लिखने के बाद कार्ड पर उसे छिपा दें, जैसे उस पर कुछ लिखते या उसके ऊपर टेप चिपका दें। ऐसा करने से आपके कार्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्रांजैक्शन करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप बाजार गए, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या सामान खरीदने के बाद पेमेंट कार्ड से करते हैं तो इस दौरान कुछ लोग चालाकी के साथ आपके कार्ड की फ़ोटो ले लेते हैं या फिर CCTV में उसकी फुटेज ले लेते हैं, जिससे साथ में CVV नंबर भी चला जाता है। इसलिए सावधानी के साथ अपने कार्ड का उपयोग करें। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह खबरों में देखते रहिए। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।